फिल्म दंगल में छोटी बबीता का रोल प्ले करने वाली सुहानी भटनागर के निधन की खबर से उनके ऑन स्क्रीन पिता और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान टूट गए हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए सुहानी को श्रद्धांजलि दी है। आमिर खान ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारी सुहानी के निधन के बारे में सुनकर हमें गहरा दुख हुआ है। उनकी माँ पूजा जी और पूरे परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। इतनी प्रतिभाशाली युवा लड़की, ऐसी टीम खिलाड़ी दंगल सुहानी के बिना एकदम अधूरा होता। सुहानी, तुम हमेशा हमारे दिलों में एक सितारा बनी रहोगी, तुम्हें शांति मिले। सुहानी भटनागर की मौत से उनके परिवार के साथ ही सेलेब्स और फैंस को भी गहरा सदमा पहुंचा है। खुद आमिर खान भी अपनी ऑन स्क्रीन बेटी की मौत की खबर सुनकर दुखी हो गए हैं। सुहानी ने साल 2016 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद से सुहानी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। फैंस ने भी उनकी एक्टिंग को काफी सराहा था। हालांकि दंगल फिल्म के बाद उन्होंने स्क्रीन से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुहानी भटनागर का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अपने इलाज के दौरान सुहानी कुछ दवाइयां ले रही थी। हालांकि दवाई से हुए साइड इफेक्ट्स के चलते सुहानी भटनागर के शरीर में धीरे धीरे पानी भर गया। हालत बिगड़ते देख परिवार वालों ने उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया था। हालांकि दंगल गर्ल को बचाया नहीं जा सका और 17 फरवरी को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आप सभी को बता दें कि सुहानी भटनागर फरीदाबाद की रहने वाली थी।